इस बार के चुनाव में सीएम योगी क्यों बने हैं बीजेपी के लिए चर्चित चेहरा? अचानक सीएम योगी की तारीफ क्यों करने लगे हैं मोदी और शाह? क्या इस बार सच में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दरकिनार कर दिया जाएगा? नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 1 जून को सातवें और अंतिम चरण की वोटिंग होने जा रही है। इस दौरान 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। 4 जून को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। बता दें कि छठे चरण का मतदान 25 मई को पूरा हो चुका है और आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएंगे। इस बीच चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब तो वहीं अखिलेश यादव महाराजगंज और घोसी में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस बीच आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यूपी की अपनी चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पिछले एक महीने में पार्टी को दोनों नेताओं ने लगभग कई बार योगी सरकार के कामकाज की जबरदस्त प्रशंसा की है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समर्थकों और विरोधियों के बीच अलग अलग छवि है। समर्थक कहते हैं कि उनकी सख्त नीतियों से राज्य में अपराध पर लगाम लगी है और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। विरोधियों का कहना है कि ऐसे मामलों में इंसाफ अदालत को ही करना चाहिए। वे एनकाउंटर बुलडोजर नीति पर सवाल उठाते हैं। इसी तरह योगी यह कहने में संकोच नहीं करते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, लेकिन काशी और मथुरा इंतजार में है। वहीं विपक्षियों के लिए वह कट्टर हिंदुत्व का ऐसा चेहरा है जो बाकी धर्मों के लोगों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें यूपी की कानून व्यवस्था को सुधारने वाले से लेकर बड़ों बड़ों को ठंडा करने वालों तक बताया है। तो वहीं अमित शाह ने भी तारीफ करते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी से मच्छर और माफिया दोनों को भगा दिया है। बता दें, भाजपा नेता यूपी के बुलडोजर मॉडल की भी खूब प्रशंसा कर रहे हैं। जनता भी अपने प्रिय मुख्यमंत्री के प्रति इन शब्दों को सुनकर जमकर तालियां बजा रही है। लेकिन इस बीच सवाल उठ रहा है कि मोदी और अमित शाह अचानक योगी आदित्यनाथ की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब विपक्ष की योगी को लेकर शुरू की गई राजनीति और राजपूत मतदाताओं की कथित तौर पर भाजपा से नाराजगी के बीच कहीं ना कहीं खोजा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर यह बात कही है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में तीसरी बार भी आते हैं तो उसके पीछे कुछ ही दिन बाद योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कई बार ये बात कही है। जिस तरह भाजपा में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और वसुंधरा शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगा दिया गया, उसी तरह योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव जीतने के बाद दरकिनार कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने अपने बयानबाजी के बीच ये नहीं बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद से क्यों हटा दिया जाएगा। बता दें, इसके बारे में जब सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि अगर 4 जून को बीजेपी जीतेगी तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, इस पर सीएम योगी ने कहा कि यह विपक्ष का एक प्रोपोगेंडा है। वैसे भी मैं एक योगी हूं और मेरे लिए सत्ता नहीं बल्कि पार्टी के मूल्य और सिद्धांतों के लिए कार्य करना महत्वपूर्ण है। जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए हम राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में आए हैं, उनके लिए कार्य करना हमारी प्राथमिकता है। केजरीवाल जी, आपने सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को खत्म कर दिया। जहां सिद्धांतों की बात आएगी, मेरे लिए तो मैं एक जन्म में नहीं 100 जन्म में हम उस सत्ता को ठुकराएंगे। नेशनल फर्स्ट की जो हमारी थ्योरी है, पार्टी का सिद्धांत है, पार्टी के मूल्य और सिद्धांतों के लिए हम कार्य करेंगे। उन मूल्यों के लिए किसी भी हद तक जाकर समर्पित भाव के साथ कार्य किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं सीएम योगी ये मानते हैं कि उन्हें सत्ता से हटाया जा सकता है। अगर हटाया भी जाता है तो जैसा सीएम योगी ने कहा कि जहां सिद्धांतों की बात आएगी तो एक जन्म में नहीं 100 जन्म में हम उस सत्ता को ठुकराएंगे। आपको बता दें, विपक्ष की इस बयानबाजी के पीछे यूपी की सियासत छिपी हुई है। विपक्ष जानता है कि यदि भाजपा 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में कमजोर होती है तो उसका केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आना कठिन हो जाएगा, लेकिन यह भी तभी संभव हो सकता है जब भाजपा के संगठन और यूपी की सरकार में आपसी तालमेल बिगड़े। माना जा रहा है कि जानबूझकर इस तरह के विवादों को हवा देकर तालमेल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, देश की उन्नति और देश की तरक्की में किस पार्टी ने अब तक सही काम किया है और इस बार किसकी सरकार बनना तय है? यानी कि आपके अनुसार इस बार देश का सुल्तान कौन होगा और क्यों? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही तब तक के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।